अरे तो एक चीज तो बहुत अच्छे से बनाते हैं हम क्या क्योंकि गाइस इसकी शादी नहीं हुई ना, अपनी चाट आ चुकी है, आगे देखो बहुत अच्छा रहा है। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोशी फैमिली ऋषिकेश। तो मैं, जैसे आपको पता है, मैं दिल्ली आई हुई हूँ और आज मैं आ रही हूँ अपनी बुआ के घर पे। मेरी बुआ का घर मेरी गली में ही है, हमारी गली में ही है। और ये मेरी बुआ का घर, ये मेरी बुआ की बेटी दीक्षा रतूड़ी और यहाँ पर इधर सिद्धार्थ रतूड़ी, मेरी बुआ का लड़का है। और मेरी ताऊ जी की लड़की भी आ रही थी यहाँ पे, मिस निधि सेमवाल भाई, हाल दफा से। तो आज है यहाँ पर, ये लोग कह रहे हैं कि किसकी ड्राइंग अच्छी है। इन्होंने सिद्धार्थ की ड्राइंग देखी यहाँ पे पहले, तो ये काफी मजाक उड़ाने लग गए इसकी ड्राइंग का, ठीक है, इसकी ड्राइंग का। तो अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब मैंने बोला कि निधि अच्छी है, हाँ मैंने बोला कि निधि, मैंने बोला निधि की ड्राइंग अच्छी है, तो इन्होंने विश्वास नहीं करा। तो सिद्धार्थ ने बोला कि दोनों एक कॉम्पिटिशन करेंगे। सिद्धार्थ पेंसिल ले आया, पेंसिल दे ना, पेंसिल निधि के हाथ में। पिक्चर क्या बनाएंगे, नहीं तलवार क्यों, तलवार ही बनाएंगे भाई, नहीं क्यों तलवार ही बनानी है, इतना नहीं, ये बहुत अच्छी पिक्चर्स बनाती है। तो ये कह रही है कि मेरी शक्ल बनाओ, ना ना वो टेडी बेयर बनाएंगे हम, चलो नहीं थोड़ी उसको ना बीच में रखो, तो तुम क्या वो पहाड़ और घर वाला बनाओगे क्या, सीन ब्रेक वाला टेडी बेयर बना लो, छोटा वाला इसको यहां पे रखता हूं, देख के बना लो, चलो हां रखो। हाय मुझे यार वो बुक वाला दो, तो इनका कहना है कि हाँ ये बनाते हैं, आ जाओ ये टेडी बेयर बनाना है, नहीं नहीं ये बनाएंगे, क्या दिखा ठीक बनाएंगे, हाँ चलो ये बनाते हैं, ये अपना काम करा रहे हैं, ये बहुत पीछे है। ये मेरी बुआ जी जो बना रही हैं अभी, क्या बना रहे बुआ आप, क्या बन रहे हैं साले, आपकी ड्राइंग सोच रही है, ये बनाना है, ये अपने आप सोच के क्यों, हम तो ये बनाएंगे ना, जो हमें तो एक काम करो, नहीं मैं एक काम करती हूँ, एक ड्राइंग आपकी बना लेते हैं, एक इसकी बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता, कॉम्पिटिशन पता कैसे लगेगा जब दोनों जब एक एक चीज बनाएंगे दोनों, तो पता लगेगा ना किसने अच्छा बनाया सामने। अरे तो एक चीज तो बहुत अच्छे से बनाते हैं हम, क्या बनाओ बेटू, पेंसिल लाना एक और, ठीक है ठीक है, 2D ड्राइंग बनाते हैं, 2D 3D नहीं बना पाते, तू रेडी हो गया ना अभी, ये रेडी हो क्या, गई ये अपना मुंह नहीं चबा, मैं तभी बोले आधा खाना छोड़ के काम नहीं, ये ले भाई रबड़ नहीं है क्या इसमें, करेक्शन का कुछ मेरे पास, आप किन्नी बना रहे हैं, बनाओ ना ये बनाना है, पेंसिल नहीं है ना, उंगली से मिटा लूंगी मैं पेंसिल, हां ये टैलेंटेड है, अभी आएगा तेरी बारी, पहले एक बनाएगा फिर पेंसिल मिलेगी, ये क्या बात हुई, ये सारे पेन वाले हो गए ना, स्कूल पढ़ रहा है तो पेंसिल बस दे, हमारा बजट कम है, वो इतना बड़ा दुकान भी नहीं है उसका, अभी आप देख लेना पकौड़ा बनने का, अभी आपकी भी देख लेंगे ड्राइंग, यही बनाओगे ना अभी, सही बना दी, डर लग रहा है अपने कॉम्पिटिटर को, ना देखो ना आप इतना सा गैप है, थोड़ी देर में, अरे अब रबड़ नहीं है तो क्या करो, और अच्छा लगना चाहिए ना, हां ऐसे सेम थोड़ी करना है हमें, सारी बहनें एक साइड है क्या, हां मुझे अच्छे बंदे में 20 रुपए दूंगा, अबे कम हो ब्रो, बन रहा कम से 100 रुपए तो, ठीक है मेड बाय निधि सेमवाल, यस, अगर आपको शादी के रिश्ते में बात है भाई, अच्छा नहीं बनाया, अरे नहीं काफी अच्छा बनाया निधि, हाँ मैं काम कर, मेरे को कोई देखेगा नहीं, वेलकम ड्रिंक, ये है हमारे मामा जी, हमारे में बुआ के हस्बैंड को मामा जी कहते हैं, मेरे काफी दोस्त बोलते हैं कि बुआ एंड मामा कैसे, बट गढ़वाली में बुआ के हस्बैंड को मामा ही बोलते हैं ना मामा जी, संडे मामा जी आज घर पे मिल गए, सबके सामने नहीं बनेगा, मैं अंदर जाता हूँ, नहीं है आप बैठो, दुनिया नहीं,
ड्रॉइंग का साइज बड़ा होना चाहिए। मैं कहती दीक्षा अपने जीजू को ना जिता दे यार, पार्सल ना हो जाए यहाँ पे लग रहा है। क्यों? अरे जीजू तो अच्छा बना रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा नहीं लग रहा है? नहीं यार, क्यों टेढ़ा क्यों भाई? जो जीतने वाला होता है ना वो ऐसे बोलता है चाइल मारने के लिए, मुझे लग रहा है। तो ये रूम के अंदर तो गए थे बनाने के लिए, मगर ये भारी बना रहे हैं कि लोगों को लगेगा चीटिंग वीटिंग करी कोई। चलो ठीक है, हम बंद कर रहे हैं व्लॉग, बनने के बाद ही दिखाएंगे गाइस आपको। ये सरप्राइज है, कौन जीता है? ये तो विनर जीता है। हाँ, विनर का गिफ्ट 20 रुपए। तो ड्राइंग रेडी हो चुकी है। बच्चा इसका, ये पापा है, ये बेटा है। आई थिंक तो लगता है कि इसमें मुश्किल होगा जाना कि कौन विनर है। मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगा कौन ये निधि, निधि की ड्राइंग है ये, मेड बाय निधि सिंबल। ये कमेंट में बताएंगे लोग। हां ये लोग जीजू की ज्यादा स्पेस लग रहा है, जीजू की ज्यादा स्पेस लग रहा है। तो ये हमारी जज है यहाँ पर, तो जज साहिबा आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तो आप इसे अवार्ड दीजिए, जज ही अवार्ड देगा। क्योंकि गाइस इसकी शादी नहीं हुई ना अभी, ये इनका काम आएगा, प्रैक्टिस करेगी पहले ये। भाई अब तो भाई अब बता देना कमेंट सेक्शन में कोई है अच्छा लड़का। तो बुआ ने बनाया ये गाजर वाले चटनी। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बुआ के घर से, मैं अब अपने घर जाऊंगी, फिर वहां से हम वापस आज जा रहे हैं ऋषिकेश। तो ये है मेरी बुआ, ये मेरे मामा जी, मामा जी, मामा जी है, ये साली है। अच्छा मैं इसको ट्यूशन पढ़ाती हूँ। घर आ गए, मैं अपने घर आ गई हूँ और पापा ने पूरी हमारी पैकिंग करके रख दी है ना पापा? पापा को बहुत मजा आता है इन सब कामों में। पापा ने हमारा सारा सामान पैक करके मेरा सारा सामान रख दिया अलग से। निधि अंदर ही है। तो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, जो मेरी मम्मी, जिसमें मेरी मम्मी की जान बचती है, मेरी मम्मी के प्लांट्स दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मेरी मम्मी के प्लांट्स, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा ही पौधों का शौक है, तो मम्मी ने पूरे जगह पर ही ये कर रखा है। ये है हमारी बालकनी, मम्मी को बहुत ज़्यादा शौक है प्लांट्स का। तो मम्मी ने ऑलमोस्ट हाफ बालकनी में तो प्लांट्स ही लगा रखे हैं। इसके बाद हम गए मेट्रो से कश्मीरी गेट, वहाँ पर हमारी बस आई, हमारी 145 की बस थी और हम बस में बैठ कर निकल गए ऋषिकेश के लिए। अभी हमारी बस रुकी है कहीं पर खाने के लिए, ये पीछे हमारी बस है। पापड़ी चाट आ चुकी है, आगे देखो बहुत अच्छा रहा। सही हो रहा? ब्लॉग मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।